स्वागत so, है आप लोगों का आर मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में और आज है डे एट और डे एट में एल सी का एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं विच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एल सी एम एंड एच ओके अगर आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके बराबर होगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एल सी एम एंड एच सी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूँ सपोज वी हैव अ नंबर सिक्स एंड एट ठीक है तो इसके फैक्टर्स करूँगा तो टू टू ज टू इंटू थ्री आ जाएगा टू इंटू थ्री इंटू वन और ये हो जाएगा टू टू ज फोर टू ज़ा एट अगर मैं इसके इसके एच सी एफ की बात करूँ आई टॉक अबाउट इट एच सी एफ सो इट्स एच सी एफ इज गोइंग टू बी वट टू एच सी एफ इज द हाइस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है तो एच सी एफ तो आ गया टू एल सी एम की बात करूँगा एल सी एम कितना जाएगा इसका इसके बाद बाकी के भी हम जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते थ्री टू जै सिक्स टू जे ट्वेल्ल टू जै ट्वेंटी फोर एल इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फोर तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करूँ यहां पर ठीक है मतलब मैं अगर पहला नंबर है मेरा सिक्स दूसरा नंबर एट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एल सी एम एंड एनसीएफ ट्वेंटी फोर इन टू सो सिक्स एट फोर्टी एट एंड ट्वेंटी फोर टू ऑ फोर्टी एट ओके तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना आइए इस कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं okay. द क्वेश्चन इज द एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इसी को साथ साथ मैथमेटिकली भी इंटरप्रेट कर लेते हैं एल सी एम ऑफ टू नंबर दो नंबर होंगे सपोज दो नंबर को हम एन वन एन टू मान लेते हैं सपोज एन वन एंड एन टू आर द टू नंबर इनका जो एल सी एम है दैट इज नथिंग बट ट्वेंटी एट टाइम्स ऑफ दियर एच सी एफ ठीक है और हमें दिया of their LCM and HCF है द सम ऑफ दियर एल सी एम एंड एच सी एफ है ठीक है यहां पर एल सी एम एंड एच सी एफ तो एल सी एम प्लस एच सी एफ का जो सम है दैट इज वन सेवन फोर जीरो ठीक है इफ वन ऑफ द नंबर इज टू फोर्टी मतलब एक नंबर भी आपको एन वन की वैल्यू कितनी दे टू फोर्टी तो यू हैव टू फाइंड यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर हमारे पास फॉर्मला तो है एन वन इंटू एन टू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एल सी एम एन एच सी एफ लेकिन एल सी एम और एच सी एफ की वैल्यूज नहीं है डायरेक्टली तो हम क्या करते हैं ना देखिए सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन माना इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन नंबर टू पहले एल सी एम एच सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद आराम से इस फॉमले में रखेंगे विल आंसर एल सी एम कितना है एल सी एम इज इक्वल टू ट्वेंटी एट इंटू एच सी एफ मतलब ट्वेंटी एट एच सी एफ आई put पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन नंबर टू तो एल की जगह लिखूंगा ट्वेंटी एट एच सी एफ प्लस एच सी एफ़ इज गोइंग टू बी वन सेवन फोर जीरो यहाँ से आ जाएगा ट्वेंटी नाइन एच सी एफ़ ट्वेंटी नाइन एच सी एफ़ की वैल्यू आ जाएगी वन सेवन फोर जीरो और यहाँ से एच सी एफ़ की वैल्यू आ जाएगी वन सेवन फोर ज़ीरो अपॉन ट्वेंटी नाइन तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे थर्टी होता 60 6, 9, 6, हां, तो सिक्सटी टाइम्स सिक्स नाइन सिक्स हाँ तो ये सिक्सटी टाइम्स कट हो रहा है ट्वेंटी नाइन सिक्स वन वी हैव गॉट सिक्सटी अगर एच सी एफ सिक्सटी आया तो एल कितना आया होगा एल आया होगा ट्वेंटी एट इंटू सिक्सटी ठीक है ओके इफ दिस मच इज क्लियर तो नाउ वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज इन द फॉमूला दैट इज नथिंग बट एन वन इंटू एन टू इजिकल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एल सी एम एंड एच ठीक है एक नंबर कितना है मेरे पास एक नंबर है मेरे पास टू फोर्टी तो so, 240 फोर्टी इंटू एन टू इज इक्वल टू वट इज़ दी एल सी एम एल सी एम इज़ ट्वेंटी एट इंटू सिक्सटी ट्वेंटी एट इंटू सिक्सटी इंटू एच सी एफ एच सी एफ कितना है मेरा सिक्सटी ओके तो यहाँ से एन टू की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी एट इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी अपॉन टू फोर्टी ठीक है तो सिक्सटी मेनी टाइम्स फोर टाइम्स एंड फोर मेनी टाइम्स सेवन टाइम्स एन सेवन सिक्स फोर्टी टू तो एन टू की वैल्यू आ गई फोर ट्वेंटी ओके तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो डू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ देर एल सी एम एंड एच सी एफ आई होप कि आपको आज की कॉन्सेप्ट क्लास समझ में आई होगी आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज़ चल रही है इसमें आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोग इसको इन्जॉय कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ओके okay? और कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए तो दैट्स ऑल टुडे बाय बाय सी यू सून ऑल द बेस्ट